हाय सखीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में कुछ स्पेशल होने वाला है। आज मैं करने वाली हूँ अपने बालों को कट। आप लोग बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम आप अपनी हेयर कटिंग डालो, तो मैं आज अपने बालों को कट करने वाली हूँ। मेरे बाल काफी लंबे हो गए हैं और नीचे से जो मैंने ये कलर किया है, तो ये कलर जो है बहुत ड्राइनेस दे रहे हैं बालों को, और थोड़े लंबे होने के बाद इसमें थोड़े से हल्के से स्प्लिटेंट आने वाले हैं, तो मैं अपने बालों को इतना सा कट करने वाली हूँ। कई लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि मैम आप अपने बॉब कट कर लो, तो बॉब कट करूंगी बट अभी नहीं करूंगी मैं, क्योंकि कुछ चीजें पर्सनल होती हैं। मुझे लॉन्ग हेयर्स ही पसंद है और मेरे घर में भी सबको लॉन्ग हेयर्स पसंद है, तो अभी तो मैं आपकी रिक्वेस्ट बॉब कट वाला पूरा नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, अपने बालों को मैं अच्छी तरह से इस तरह से दो तीन तरह से काटूंगी कि आपको समझ आएगी और आप भी घर बैठे अपने बालों को कट कर सकेंगे। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और इसके साथ ही आप कमेंट करके शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आप मेरे बालों को देख पा रहे होंगे, लंबे हो गए हैं बाल, और नीचे से जो कलर्ड बाल है उसको मैंने निकालना है। तो सबसे पहले मैं बालों को सेंटर पार्टिंग करूँगी, यानी कि बीच से मांग निकालूंगी, और बालों को यहाँ पे मैंने टैंगल फ्री करके हल्का सा प्रेसिंग कर लिया है, जिससे कि कटिंग पूरी की पूरी दिखे। और फिर से एक बार कंघी कर रही हूँ मैं, सेंटर पार्टिंग करके अपने बालों में अच्छी तरह से कंघी कर रही हूँ मैं, और कंघी करने के बाद मैं इन बालों को कट करना शुरू करूँगी। तो ये सेल्फ हेयर कटिंग है, आप अपने बाल खुद से कैसे काट सकते हैं इसकी वीडियो बनाई है मैंने, तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और इसके लिए अच्छे तरह से कंघी करके एक नीचे की ओर एक पोनी बनाने वाली हूँ मैं, इस तरह से आप देखिए। और मेरे बाल बहुत ज़्यादा घने नहीं हैं, लेकिन बहुत हल्के भी नहीं हैं, ठीक ठाक हैं। और इन बालों में कैसे मैं कट करती हूँ ये आप देखेंगे। पहले मैं स्ट्रेट कटिंग करूँगी और उसके बाद फिर मैं इसमें एक यू शेप ले लूँगी। तो पहले स्ट्रेट कटिंग करने के लिए मैंने बालों की पोनी बनाई है, बिल्कुल नेप एरिया पे एक पोनी बनाई है मैंने। उसके बाद फिर अच्छे से तरह से फिर से कॉम करा है मैंने, और अब ये दूसरा रबर लगाऊंगी। और सेंटर में रबर लगाने के बाद बालों को थोड़ा सा सीधा करूंगी मैं, और उसके बाद एक नीचे रबर लगाऊंगी, जिससे कि बाल मेरे फिक्स हो जाएंगे और जब मैं कटिंग करूंगी तो वो हिलेंगे नहीं और बिल्कुल स्ट्रेट कटेंगे। तो इस तरह से दो बार रबर को लगाया है मैंने, जिससे कि बाल मेरे फिक्स हो गए हैं वहाँ पर, और जब आगे करके मैं कटिंग करूँगी तो मेरे बाल जो है वो इधर उधर नहीं होंगे, इधर उधर नहीं होंगे तो फिर कटिंग भी स्ट्रेट होगी। और एक रबर बैंड मैं नीचे लगाऊँगी कुछ इस तरह से, वीडियो में आपको पूरा दिखाई पड़ रहा होगा कि कैसे मैं बालों को पैक कर रही हूँ रबर बैंड से। इस तरह से तीन रबर बैंड लगा लिया मैंने और एक मेरा पॉनीटेल बन गया, और इस तरह से पॉनीटेल को पीछे से थोड़ा सा खींच रही हूँ मैं, जिससे कि एक बिल्कुल बाल बिल्कुल सीधे हो जाए, स्ट्रेट हो जाए। उसके बाद रबर को नीचे खींच रही हूँ मैं, जिससे कि जहाँ तक मुझे बाल काटने हैं वहाँ पे रबर को ले जाके फिक्स कर रही हूँ। करीब 2 से 2.5 इंच बाल यहाँ पे मैंने कट करे हैं, और अब मैं ले आई बालों को आगे और आप देखिए कि मेरे बाल अब कटने वाले हैं। तो इस तरह से बालों को मैं अच्छी तरह से काट लूँगी और ये पूरे गोल्डन वाले बाल पूरे निकाल दूँगी। इसकी वजह से मेरे बाल बहुत उलझते थे और बहुत टूटते भी थे, इस पर स्प्लिटेंट भी आने वाले थे। तो इस तरह से पॉनीटेल चुकी कर लिया है मैंने, तो कैंची चलाने में थोड़ी सी धीरे धीरे चल रही है कैंची मेरी, और इस तरह से देखिए कि मेरे बाल आधे कट गए और आधे और काटूंगी मैं। तो इस तरह से बाल जो हैं मेरे कट गए, और आप देखिए कि कितने बाल कटे हैं मेरे, ये देखिए सारे गोल्डन बाल मेरे हाथों में हैं। और अपने बालों को इस तरह से देखना बहुत अजीब सा लग रहा है, और अब मैं यहाँ पे रबर बैंड खोल रही हूँ और इस पॉनीटेल को मैं खोल दूँगी, और आप देखेंगे कि मेरे बाल बिल्कुल स्ट्रेट कट गए हैं। होप कि आप मेरे वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे, और मुझे तो बहुत मज़ा आया अपने बालों को काटने में, बहुत ही मज़ा आया, और उम्मीद है कि आपको भी देखने में मज़ा आ रहा होगा। इस तरह से देखिए बिल्कुल बाल मेरे स्ट्रेट हैं, और मैं कॉम करके आपको दिखाती हूँ तो पूरे बाल स्ट्रेट हो गए हैं। लेकिन मुझे स्ट्रेट नहीं रखना, मुझे साइड से थोड़ा सा यू चाहिए। आप यू करने के लिए मैं यहाँ पर सेंटर से फिर से पार्टिंग करूंगी पीछे से, और बालों को 2 हिस्सों में बराबर बराबर बांटूंगी। ये देखिए बालों के 2 हिस्से कर लिए मैंने, और फिर से कंघी करा है मैंने। यहाँ पे मैंने आपको ड्राई हेयर कट बताया है, बालों में पानी बिल्कुल भी स्प्रे नहीं किया है मैंने,
और जो कि मेरे अपने बाल थे इसलिए मैंने यहाँ पे ड्राई हेयर कटिंग की है, दो भागों में बालों को बांटा है मैंने। उसके बाद जैसे स्कूल और कॉलेज में दो पोनी बनाते हैं उस तरह से मैंने कानों के नीचे रबर लगा के दो पोनीटेल किया है और दोनों पोनीटेल को फिर से तीन रबर के द्वारा टाइट किया है। इस तरह से एक रबर ऊपर लगाया है, एक रबर बीच में और एक रबर वहाँ पे लगाया है जहाँ से मैं कटिंग करूँगी। तो आप देख रहे हैं कि रबर कैसे लगा रही हूँ मैं, वीडियो में आपको पूरी तरह से नज़र आ रहा होगा। इसी तरह से मैं दूसरी वाली तरफ भी करूँगी और खुद के बाल काट रही हूँ तो मुझे बहुत हंसी सी आ रही थी कि खुद के बालों की कटिंग मैं कर रही हूँ और अच्छा भी लग रहा था कि मेरे जो दो मुहे बाल हैं और जो गोल्डन बाल हैं वो निकल जाएंगे। तो अच्छी लगी मुझे ये कटिंग। तो आपको कैसी लगेगी ये आप कमेंट में बताओगे। ये बहुत दिनों से आप लोगों की फरमाइश थी जिसको मैंने आज पूरी करी है, तो भर भर के लाइक देना बनता है यहाँ पे आपका। और अब देखिए मैं दोनों पोनीटेल को मिलाते हुए कैंची से कट कर रही हूँ। इस तरह से बालों में पीछे से यू शेप आ जाएगा, बहुत लाइट सा यू शेप जो कि मुझे चाहिए था, ये यू शेप में आ जाएगा। और अब इसके रबर को खोलूँगी मैं और थोड़ा सा नोचिंग करूँगी। इस तरह से नोचिंग कर देने से थोड़ी सी फिनिशिंग आ जाती है बालों में और अच्छा लगता है। मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप चाहे तो उनको देख सकते हैं। और मेरा चैनल भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। सब्सक्राइब करने में लाइक करने में कोई भी पैसा नहीं लगता, बहुत मेहनत से हम वीडियोज़ बनाते हैं और आप तक लेकर आते हैं। काफ़ी टाइम लगता है एडिटिंग वगैरह करने में और आप तक लाने में काफ़ी टाइम लग जाता है हमें, और आपकी कोशिश करते हैं कि आपकी रिक्वेस्ट भी पूरी करें। इस तरह से बालों को अच्छी तरह से मैंने खोल लिया है। बाल आज मेरे बहुत सिल्की सिल्की सो रहे हैं, मैंने ढेर सारा कंडीशनर लगाया था मैंने कि आज कटिंग दिखानी है आपको। तो इस तरह से देखिए बाल मेरे लाइट से यू आए हैं। अभी मैं कॉम करके आपको अच्छी तरह से दिखाती हूँ। इस तरह से अच्छी तरह से कॉम कर लिया फिर से मैंने और अब देखिएगा आप कि मेरे बाल हल्के से यू शेप में जा रहे हैं। ये देखिए मेरे बालों का यू शेप हो गया है। और आपको कैसा लगा? और अब मैं थोड़ा सा बालों में देखा आपने कट गए मेरे बाल, फ्लिक्स काटूंगी साइड से, जो कि मेरे ऊपर तो सेंटर पार्टिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती इसलिए मैं साइड पार्टिंग करके थोड़ा सा फ्लिक्स निकालूंगी और थोड़ा सा काटूंगी मैं, जो कि मेरे फोरहेड को कवर कर लेगा और मेरे फेस को भी कवर करेगा। तो इस तरह से थोड़ी सी लट निकाली है मैंने साइड पार्टिंग करते हुए और आगे से थोड़ा सा लिया है मैंने और इस तरह से स्लाइडिंग मेथड से कैंची को पकड़ते हुए मैं कटिंग कर रही हूँ। कैंची को तिरछे ले जाते हुए मैंने पूरी कटिंग को ख़त्म कर ली है। और अब देखिए कि इतने सारे बाल मेरे कट गए हैं और कितने लंबे बाल थे ये, अब देखो आप। और अब ये कटिंग जो है मेरे ऊपर कैसी लगी ये आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना, ज़रूर ज़रूर से बताना। और मेरा फेस पूरा इसमें कवर हो रहा है और मुझे तो सही लग रहा है। अब इसमें भी थोड़ी सी नोचिंग कर दूंगी मैं। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है और ये कटिंग मेरी कैसी लगी आपको मेरी कटिंग बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।